आज की जो क्लास है इसमें हम प्रोजेक्ट का एक टॉपिक देखेंगे जिसमें हम रिपोर्ट को फिल्टर करना देखेंगे या फिल्टर्ड रिपोर्ट तैयार करना देखेंगे। लगभग रिपोर्ट बनाने के बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा फॉर्म डिज़ाइन किया है और इसमें कनेक्टिविटी और छोटी मोटी कोडिंग्स करके ये ऐड अपडेट सेव डिलीट ये सारी चीज़ों की कोडिंग भी कर दी है। साथ में प्रिंट बटन की भी मैंने कोडिंग कर दी है जिसमें डेटा रिपोर्ट वन को मैंने शो कराया है। तो यहाँ पर डेटा रिपोर्ट वन को शो कराने से पहले मैं यहाँ पर डेटा रिपोर्ट पहले बना लेता हूँ। डेटा रिपोर्ट कैसे बनाते हैं आपको पता है कि कनेक्शन ऐड करना होता है, डेटा रिपोर्ट ऐड करना होता है, और पहले से अगर डेटा रिपोर्ट बनी है तो उसको ऐड कर लेते हैं, नहीं बनी है कनेक्शन को वैसे ही सभी को बनाना है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ जेट 4.0 लेंगे और आपका डेटा बेस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप। मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आप प्रोजेक्ट को घर में बना रहे हैं या कंप्यूटर या फिर आप कंप्यूटर को चेंज करते हैं, पेन ड्राइव में बैकअप ले रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है डेटाबेस को छोड़ के इसको हटा लेना है। तभी वो कंप्यूटर पे चेंज करने से कोई प्रॉब्लम, पाथ की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। क्लियर है? ये रिपोर्ट और उसमें कनेक्टिविटी में सभी करना है। अगर आप ऐसा कनेक्टिविटी करते हैं तो फोल्डर को कहीं भी आप घर पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड कमांड करेंगे और मेरा जो टेबल है उससे मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी कर लेता हूँ। डेटा रिपोर्ट हमने पहले भी देख रखा है इसलिए मैं इसको फटाफट कर ले रहा हूँ। डेटा रिपोर्ट यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। ये दोनों को इस तरीके से ओपन करना है कि दोनों दिखाई दें और डिटेल सेक्शन में मुझे इसको लाना होता है। ये मैं डिटेल सेक्शन में यहाँ पर ला दिया। अब मैं रिपोर्ट को डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रिपोर्ट को अभी मैं ज़्यादा अच्छे से इसको सुंदर तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि अभी इसको ये जो वाली इसकी क्लास हम अलग से देख चुके हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल डेटा रिपोर्ट तैयार कर लेता हूँ और थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ बस। तो मैंने फॉन्ट इसका हल्का सा बड़ा कर लिया है ताकि ये क्लियर दिखाई दे आपको। ये हमारी रिपोर्ट तैयार है। मैं डेटा सोर्स सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने पिछले बार भी बताया था, लोग ये वाला स्टेप जो है वो भूल जाते हैं। अब ये मेरा डेटा रिपोर्ट जो है वो तैयार है और मैं इसको रन करता हूँ। मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो डेटा रिपोर्ट है वो डिस्प्ले हो रही है। जो डेटा यहाँ पर है 1 और 6, अमन और राजू, वो अब प्रिंट के लिए रेडी है डेटा रिपोर्ट में। ठीक है, यहाँ पर कई सारी चीज़ों को मैंने और भी बताया था कि जब भी आप फॉर्म ऐसे रन करते हैं तो ये फॉर्म कभी इस कोने में आ रहा है, कभी इस कोने में आ रहा है, कभी ऐसा आ रहा है, ऐसा नहीं आना है। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देखेंगे कि फॉर्म को सेलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा हो और नीचे यहाँ पर स्टार्टअप पोजीशन लिखी होती है। इस प्रॉपर्टी में जाके आपको सेंटर स्क्रीन सेलेक्ट करना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये हमेशा सेंटर पे आएगा और अच्छा दिखाई देता है। क्लियर है? दूसरा, रिपोर्ट जब भी हम प्रिंट करते हैं देखिए ऐसे छोटा सा आता है, ऐसा नहीं होना है। रिपोर्ट हमेशा फुल साइज में आना है। तो रिपोर्ट को आप सेलेक्ट करिए। रिपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने रिपोर्ट्स को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर डेटा रिपोर्ट 1 दिखेगा और इसका विंडो स्टेट आप मैक्सिमाइज्ड कर देंगे। तो ये सेटिंग्स आपकी रहनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन के लिए मैं यहाँ पर इसको एक पेस्ट करता हूँ और एक और लेबल को मैंने पेस्ट किया और इसमें जो कैप्शन है इसको मैंने ऐसा कर दिया ताकि ये अंडरलाइन जैसा दिखाई दे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इसको रन करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पर आ रहा है और ऐसा दिख रहा है जो कि अब अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये आपका डेटा रिपोर्ट तैयार हो गया है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखते जाएंगे कि डेटा रिपोर्ट में कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7, यहाँ पर कुछ नाम लिखा रश्मि, क्लास मैंने लिखा BCA, एड्रेस लिखा दुर्ग, मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके से दे दिया। जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ रिकॉर्ड सेव हो गया, यहाँ 3 रिकॉर्ड आ गए हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे और जब आप प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपने आप बढ़ते जाएगा। मतलब फॉर्म पे आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे तो ये उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा आपको। वहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ पर दिखाई देगा।
अब हमारा आज का टॉपिक चालू हो रहा है जिसको फिल्टर्ड रिपोर्ट बोलते हैं। फिल्टर्ड रिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी एक स्टूडेंट का डिटेल देखना। यहाँ पर तो अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चे हैं तो पूरे 10,000 लोगों का नाम आ जाएगा। हमको किसी एक स्टूडेंट का रिपोर्ट देखना है तो इसको रिपोर्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ता है, उसको फिल्टर्ड रिपोर्ट बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ होती है कि फिल्टर रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ। कुछ मैकेनिज्म आपको ऐड करने होंगे उसके लिए, फिल्टर्ड रिपोर्ट के लिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बटन बनाया और यहाँ पर रिपोर्ट है ना, फिल्टर रिपोर्ट के लिए कर दिया मैंने, और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जिस स्टूडेंट का आईडी देंगे, याद रखना है फिल्टर्ड रिपोर्ट बिना प्राइमरी की के नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप जिस स्टूडेंट का आईडी देते हैं, जैसे 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, उस हिसाब से यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईडी। यहाँ पर जो भी आईडी आप देते हैं और रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी स्टूडेंट की रिपोर्ट आएगी, ना कि सबकी रिपोर्ट। लेकिन नया रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में हम फिल्टर कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट की जो कोडिंग होगी ना, वो इस तरीके से होगी, ध्यान से देखना है इसको। अब बाकी सारी चीज़ें जो है हमको कोडिंग से करनी होती है। तो मैं यहाँ पर कोड विंडो ओपन कर दिया हूँ और सिर्फ यही कोड को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इस कमांड की कोडिंग है, जो भी कमांड आप बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे डेटा एनवायरनमेंट 1.rs command1, क्योंकि आपने command1 से सेलेक्ट किया है इसलिए rs command1 लिखेंगे। command2 से सेलेक्ट कनेक्ट किया होता तो rs command2 लिखते हैं। यहाँ पर rs मतलब होता है रिकॉर्ड सेट, जो कि एक टेबल जैसा होता है, ठीक है। डॉट स्टेट इक्वल टू 1। स्टेट इक्वल टू 1 का मतलब है अगर डेटा एनवायरनमेंट जो टेबल है वो ओपन है तो डेटा एनवायरनमेंट 1.rs command1.close। ये कोड इसलिए लिखना जरूरी है कि दो बार आप काम ये कोड अगर लिखना भूल जाते हैं, अगर ये लाइन लिखना भूल जाते हैं तो एक बार तो कोड रन होगा, सेकेंड टाइम पे रन नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस तरीके का डाउट पूछते हैं कि मैं प्रोजेक्ट को एक बार रन करता हूँ तो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही दोबारा रन करता हूँ तो एरर आने लगता है। वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि ये वाला लाइन नहीं लिखा हुआ है। ये सेम वही चीज़ है कि एक बार मैंने फाइल हैंडलिंग में भी बताया था कि फाइल को ओपन करने के बाद क्लोज करना ज़रूरी होता है। यानी कि एक डब्बा है आपके पास, आपने उसको ओपन किया और बिना बंद किए चले गए, तो नेक्स्ट टाइम जब ओपन करने आएंगे तो एरर आएगा, क्योंकि वो डब्बा पहले से खुला हुआ है। ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर डेटा एनवायरनमेंट का स्टेट 1 है, मतलब डब्बा खुला हुआ है, तो पहले तो उसको क्लोज कर दो। क्लोज कर दीजिए, मैं शुरू से काम करूँगा, फिर शुरू से पैकिंग ओपन करूँगा। अब नया ओपन करते हैं, डेटा एनवायरनमेंट 1.rs command1.filter। इसको क्लोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिल्टर करने के लिए फ्रेश डेटाबेस चाहिए होता है। फिल्टर इक्वल टू, अब हमको फिल्टर क्या लगाना है, देखिए आपको जो भी डेटाबेस में फील्ड है, जैसे मुझे आईडी करना है, आईडी इक्वल टू जो भी मुझे देना था, मैं यहाँ पर दे दूंगा वेल टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है आपको पता होना चाहिए कौन सा टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट का क्या नाम है, टेक्स्ट 6। तो मैं यहाँ लिखूंगा आईडी इक्वल टू वेल टेक्स्ट 6 डॉट टेक्स्ट। तो ये मेरा फिल्टर हो गया। अब जो मेरी रिपोर्ट बनेगी, ध्यान से आपको ये चीज़ समझना है कि पहले एक डब्बा खुला हुआ है और उस डब्बे में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब रिपोर्ट में आ रहे हैं। अब मैं पहले उस डब्बे को बोला कि पहले डब्बा बंद कर दो, अगर खुला हुआ है तो बंद कर दो, बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इफ़ लिखा हुआ है। इफ़ ये वाला जो rs command1 का state 1 है यानी ओपन है, तो पहले उसको बंद करो, मैं शुरू से खोलूंगा, और अगर बंद है तो कुछ नहीं होगा इससे, इसलिए इफ लिखा हुआ है। अब मैं डब्बे को या फिर इन डेटा एनवायरनमेंट को ओपन कर रहा हूँ विथ फिल्टर, फिल्टर लगा रहा हूँ मैं। फिल्टर इक्वल टू मैंने क्या लिखा, आईडी इक्वल टू। अब आपको यहाँ पर देखना है कि फिल्टर के बाद इक्वल टू लगाने के बाद ये डबल कोट में स्ट्रिंग कॉनकैट करना है। अगर यहाँ पर कॉनकैट करने में कोई भी गलती करते हैं तो फिल्टर नहीं होगा, क्लियर है। फिल्टर ऐसा लिखने से मैंने क्या दिया कि मुझे आईडी इक्वल टू ये है, यानी जो भी आईडी आप यहाँ पर देंगे उसी से ये फिल्टर होगा। नेक्स्ट, उसके बाद आप लिख दीजिए डेटा
रिपोर्ट वन डॉट शो। तो जब आप ऐसा लिखते थे तो पूरा का पूरा शो ऑल हो जाता था। मैंने क्या किया, पहले डब्बा बंद किया और फिल्टर करके ओपन करके फिर शो किया। तो देखिए फिल्टर्ड रिपोर्ट जो है वो शो होने वाली है। जब मैं यहाँ पर फॉर्म रन कर रहा हूँ और जब इस पर क्लिक करूँगा तो पूरा रिपोर्ट शो हो रहा है, यानी कि डब्बा पूरा खुला हुआ है। अब जब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आईडी इक्वल टू 6, तो सिर्फ राजू की डिटेल शो होगी। यहाँ पर देखिए सिर्फ राजू की डिटेल आ रही है, जो आईडी देंगे आप सिर्फ उसकी आएगी। इसको फिल्टर्ड रिपोर्ट बोलते हैं। ये देखिए 7, और आप ऐसी कोई आईडी देते हैं जो वहाँ पर नहीं है तो ब्लैंक रिपोर्ट आएगी, क्योंकि 3 आईडी थी, आपने गलत आईडी दी तो वो ब्लैंक रिपोर्ट आएगी। इसको बोलते हैं फिल्टर्ड रिपोर्ट। जितने भी लोग शॉप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बिल इन्वेंटरी, उनको फिल्टर्ड रिपोर्ट ऐसा बनाना पड़ेगा। और ये एक प्रकार की सर्च की कोडिंग भी है, सर्च का बटन भी बना सकते हैं। जैसे आपको बहुत सारे एलिमेंट है तो यहाँ पर अगर आपको सर्च करना है, आईडी से सर्च करना है, तो ये सर्च की कोडिंग हो गई है कि यहाँ पर आप जो भी आईडी देते हैं, जैसे मैं 7 दिया तो सिर्फ रश्मि को सर्च करके दिखाएगा। और मुझे ऑल देखना है यहाँ पर, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा तो तीनों दिखाई देगा। अब यहाँ पर तीनों इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि डब्बे को क्लोज नहीं किया गया, इसीलिए फर्स्ट टाइम करने पर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया है कि फर्स्ट टाइम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये सर्च ने क्या किया है, इस डब्बे को बंद करके ये वाला ओपन कर, फिल्टर्ड रिपोर्ट बनाना आज देखा। जितने भी बिल वगैरह वाले प्रोजेक्ट हैं सब इस तरीके से काम करेंगे आपके।